परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधि में मिलकर आने के लिए एक अच्छा सहवास परमेश्वर हमें हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के सुबह के मनन के लिए फिलिपियों के किताब दूसरी अध्याय उसका 21वां वचन, द बुक ऑफ फिलिपाइंस, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21, फिलिपियंस दूसरी अध्याय 21वां वचन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से मैं किंगडम इंस्ट्रक्शन नहीं तो स्वर्गीय शिक्षाएं, क्या हमें शिक्षाएं स्वर्गीय अनुभवों से मिलता है, यहाँ पे बताए गए अनुभव में उसकी दूसरी अध्याय 21वां वचन में बताने के अनुभव में देख सकते हैं। हमारे परमेश्वर के दास पत्र पाउलस कितने सारे परमेश्वर के सेवकों के बारे में बताया गया एक अनुभव को देख सकते हैं। 19वां वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेवकों के बारे में बताया गया जो इन परमेश्वर से शिक्षा पाकर गलत रास्ते से जा रहे हैं, नहीं तो लोगों को गलत दिशाओं में लेके जा रहे हैं। उनका उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि अपना इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट ही वो लोग देख रहे हैं। उसका 21वां वचन एक और बार पढ़ते हैं, 21वां वचन। सब अपने स्वार्थ देखो देखो देखो, सब अपने अपने स्वार्थ की खोज रहे हैं। देखो ये किन के बारे में बताया गया, जो परमेश्वर के दास के दासों के बारे में बताया गया, नहीं तो जो परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस पाए हैं, परमेश्वर के वचन पाए हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य पाए हैं, परमेश्वर के अभिषेक पाए हैं, मगर वो अपने इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के वचनों के हिसाब से ना करके अपने स्वार्थी चीज़ों को करने के लिए, नहीं तो अपने स्वार्थ को सफलीकरण करने के लिए, नहीं तो परमेश्वर की इच्छाओं को पास रख कर अपनी इच्छाओं को, अपनी मकसदों को, अपनी पसंदों को ज़्यादा फोकस करने वाली अनुभवों की सेवकों के बारे में बताया गया है। इसलिए आज सुबह हमें मालूम करना चाहिए, आज भी हम परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, पूर्णता में लेके आना चाहिए। इसीलिए वो है परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन। इसलिए हमें यहाँ पत्रस पौलुस के द्वारा बताया गया अनुभव क्या चल रहा है, लोग यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन को ना मानकर अपने इंटरेस्ट को, अपने खुद की मर्जियों को क्या करने के लिए क्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा ही करने के लिए देख सकते हैं। इसलिए आज सुबह के समय अपने मर्जियों को आज परमेश्वर यीशु मसीह के पांव के नीचे रखकर परमेश्वर की मर्जी को आज क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। वही पौलुस क्या कर रहे हैं यहां पे बताने वाली अनुभव को देख सकते हैं। उसकी 20वां वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखेंगे, बीस बीस 20वां वचन, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं देखो हम सब एक मन के होने चाहिए, हमारा मन अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर के विश्वासियों के बीच में अपने इच्छाओं को पूर्ण करने वाले लोग हैं। इसलिए पत्रस इस पत्रिका लिखकर एक ही चीज कलीसिया को बता रहे हैं कि अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। अपनी मर्जी अपने इंस्ट्रक्शन का एक मैनुअल बुक तैयार कर सकेगा, मगर परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वचन की इंस्ट्रक्शन हमें परमेश्वर की मकसदों को, नहीं तो परमेश्वर की इच्छाओं को, नहीं तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, वो चीज की पूर्णता लाने की कोशिश दिलवा सकती है। इसीलिए पौलुस बहुत गुरुत्वरीति से सेवकों को, कलीसियाओं को एक ही चीज बार बार दोहरा के बोल रहा है, नॉट योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट नहीं, अपने मर्जियां नहीं, अपने चीजों के बारे में गुरुत्व लेना नहीं, यीशु मसीह के बारे में गुरुत्व लेने की कोशिश करने की परमेश्वर हमें बता रहे हैं। अब अगर प्रोवर्ब्स 12वां अध्याय उसका पहला वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 1, 12वां अध्याय का पहला वचन, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, हाँ परंतु जो है। हालेलुया। यहाँ पे बताया गया अनुभव में देख सकते हैं ज्ञान के श्रेष्ठ दान के बारे में बताया गया है। अगर प्रोवर्ब्स के 8वां अध्याय से नहीं तो 10वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ के हैं, ज्ञान की वृद्धि हमें कहाँ से मिल सकती है, वहां पे लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया अनुभव में, जो कोई परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को मानना शुरू करता है, नहीं तो परमेश्वर के वचनों की जो विजडम है, नहीं तो परमेश्वर के वचनों की जो श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं, जो जो ज्यादा पसंद करना शुरुआत
शुरुआत करेगा, वो अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना शुरू करेगा, नहीं तो उसका जीवन को परमेश्वर क्या करेंगे? एक नियंत्रण वाली जीवन, एक डिसिप्लिन वाला जीवन के हिसाब से परमेश्वर बदला सकते हैं। और वहां पे बताया कि आखिरी वाली अनुभव, जो कोई परमेश्वर की वचनों को नहीं तो ज्ञान की श्रेष्ठताओं को लाभ करने की कोशिश नहीं करता है, वो मूर्ख बनने की कोशिश करता है। इसलिए आज हमें मालूम करनी चाहिए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे दिए गए हैं ताकि हमें मूर्ख बनने के लिए नहीं, सर्वज्ञानी बनने के लिए। सोलोमन के समान जैसे परमेश्वर उसके सामने विराजमान होते ही उसको परमेश्वर पूछे तेरे को क्या चाहिए, उसने धन दौलत श्रेष्ठताएं कुछ नहीं पूछा, उसने एक ही चीज, मुझे परमेश्वर ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे परिज्ञान दीजिए ताकि मैं तेरी वचनों को समझ सकूं, तेरी अधिकार को मैं समझ सकूं, तेरी वचनों की शिक्षाओं को जान सकूं, उस प्रकार से मेरी राज्य को, लोगों को मैं क्या कर सकूं, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या कर सकता हूं, शिक्षित करवा सकूं। इसीलिए हमें मालूम आज सुबह के समय में एक शिक्षा परमेश्वर की ओर से जरूरत है जो कि हमें डिसिप्लिन लेवल में ले सकती है, जो कि हमारा जीवन एक अच्छा चेला बनने के लिए सहायक मन बना सकता है, नहीं तो एक अच्छा क्या बोलते हैं, गुरु के नीचे रहने वाले एक शिष्य के समान क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मालूम कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारा प्यार ज्यादा रहना चाहिए। हेलो, परमेश्वर की जो विजडम है उसके ऊपर हमारा क्या करना चाहिए, मन लगे रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है वो परमेश्वर के द्वारा लिखित है, जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर बताएंगे, जो परमेश्वर के द्वारा वचनों में लिखा गया है वो परमेश्वर का नियम है। वो नियम है केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर परमेश्वर के ऊपर हमें प्यार है, नहीं तो प्रेम है, पसंद है, तो ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया कि अनुभव में देख सकते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ मान रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को अपने मर्जी के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से क्या करना चाहते हैं, बदलना की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि ज्ञान की प्रारंभ परमेश्वर के भयभीत होने से मिलता है। हेलो, हमें ज्ञान कहाँ से मिलती है, परमेश्वर की भय करने पर हमें ज्ञान की प्रारंभ होती है। ज्ञान क्यों हमें दिया जाता है, ताकि हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, उस मिला हुआ ज्ञान के हिसाब से सटीक करना। इसीलिए बहुत सारे विश्वास लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की वचनों को ना समझ के, ना ज्ञान प्राप्त होके, अज्ञानी बनकर अपने जीवन को मूर्खता में लेके जा रहे हैं। इसीलिए पौलुस बार बार दोहरा के बोल रहे हैं, तुम अपने इंटरेस्ट की करने की कोशिश मत करो, तुम परमेश्वर की इच्छाओं को सफलीकरण करने के अनुभवों को देखो। इसलिए उसकी इस आखिरी वाले अनुभव में, उसकी 12वां अध्याय पहले वचन में बताया गया कि जो कोई परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस मानता नहीं तो जो कोई परमेश्वर की वचनों की इंस्ट्रक्शंस को सुनता नहीं, भयभीत करता नहीं, वो मूर्खता में परिणत होकर वो अपने जीवन में क्या दंड लाता है, ही इज ब्रिंगिंग हिज लाइफ टू पनिशमेंट। हेलो, बाइबल कहता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर हमें कोई शिक्षा विधि नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है। मगर अगर हम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से शिक्षित ना होंगे, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हम केंद्रित ना होंगे, हमारी मर्जियों को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी को अगर को पूरी करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ये सोच लेना परमेश्वर की पनिशमेंट नियुक्त रीति से हमारे ऊपर पड़ेगा, वी विल गेट पनिश्ड, हमें पनिशमेंट मिलेगी। स्कूलों में अध्यापक क्या करते हैं, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, अगर बच्चा ही दिया गया होमवर्क नहीं करते हैं, तो नियुक्त रीति से शिक्षक क्या करते हैं, पनिश करते हैं। क्यों? ताकि वो आने वाले दिनों में उस पनिशमेंट के द्वारा कल नहीं तो भविष्य में उस जो वर्क दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको वो क्या कर सके, अपने जीवन में गठन करके सटीक कर सके। इसलिए बाइबल कहता है बच्चों को जब वे छोटे नन्हे रहते हैं तभी ही उनको इंस्ट्रक्शन सिखाओ, परमेश्वर की वचनों को बताओ, परमेश्वर के वचनों में बढ़ोतरी लेके आओ, ताकि जब वो बड़े होंगे वो परमेश्वर के रास्ते से कभी भी क्या नहीं होंगे, नष्ट ना होंगे। इसलिए उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा गया है, नहीं तो घर से निकल गया बेटे के बारे में बताया गया, वो बहुत परमेश्वर, वो घर में रहते हुए समय में उसके पापा ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको रखे थे, वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलता चलता अपने जीवन में वो स्वार्थी बनना शुरू हो गया, अपने इच्छाओं की, अपने मर्जियों का हकदार बनने की कोशिश किया। क्या हुआ? पापा से गुस्सा करके, पापा से
क्या कर रहे थे? जोरों का आवाज करके अपनी हिस्सा मांगने की एक अनुभव होनी पड़ी। हेलो, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो पापा का सब कुछ हम लूट लेने की शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे रहे हैं। सलोमोन का जीवन देखो, ज्ञान क्या लिए, वो परमेश्वर के साथ आधारित था। परमेश्वर से ज्ञान वह प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद धन संपत्ति योग्यता सब कुछ पाने के बाद वही ज्ञान उसको मूर्खता में परिणत हो गया। जो ज्ञान परमेश्वर उसको दिए थे वो ज्ञान उसको इतना मूर्ख बनाया कि वो किस परमेश्वर की आराधना करने लगा, किस चीजों का वो क्या परीक्षा लेनी, लेकिन उसे ही कुछ पता ही नहीं चला। देखो कितनी बदलाव हो गई। अरे इंस्ट्रक्शन सबको मिला है, परमेश्वर का भयभीत होना अच्छी बात है, मगर ये नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष करते हैं तो इंस्ट्रक्शन की बुक्स को फेंक देना। उदाहरण से, हमने एक फोन खरीदा। फोन खरीदने के बाद मैनुअल बुक भी साथ में दिया जाता है। मैनुअल बुक 2 दिन 4 दिन के लिए पढ़ते हैं, मगर फोन का यूज ज्यादा होने के बाद मैनुअल बुक सब फेंक देते हैं। कब जब वापस मैनुअल बुक की जरूरत कब पड़ती है? जबकि वो फोन का कुछ डिफेक्ट आना शुरू होता है, नहीं तो वो फोन में कुछ गलतियां आना शुरू होता है, तब मैनुअल बुक की परीक्षा करना शुरू होगा। तब हमें मैनुअल बुक मिलती ही नहीं, क्योंकि हमने फेंक दिया। हेलो, परमेश्वर की वचन ऐसे ही है, इंस्ट्रक्शन बुक है। क्यों? धीरे धीरे हमारे जीवन में आशीषें बढ़ते वक्त, हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ते वक्त, हम बढ़ोतरी पाते वक्त अपने मर्जी का मालिक बन सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए पौलुस कहते हैं, अपने मर्जी का मालिक ना बनो, परमेश्वर की मालिक बन मालिकपन में आने की कोशिश करो। हालेलुया। इसलिए अगर हिब्राइयों का किताब 11वां अध्याय 14वां वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, परमेश्वर से ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति के बारे में लिखे, अब हेबल के बारे में लिखा गया है। 11वां अध्याय 14वां वचन, वो ये ऐसी बातें कहते हैं, ये प्रकट कहते हैं कि स्वदेश की खोज में है। इब्राइयों का किताब 11वां अध्याय 4वां वचन, 11:4, विश्वासी से हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर एक को मिनट एक मिनट एक मिनट चढ़ाया, विश्वास से हैबेल ने हाबिल ने काइन से श्रेष्ठ बलि अर्पण किया। अब मेरा सवाल है, ये विश्वास कहाँ एबेल के अंदर कैसे आया? ना तब कलीसिया थी, ना तब परमेश्वर की वचन थी, ना तब परमेश्वर को आराधना करते थे, ना तब परमेश्वर के साथ रिश्ता था। वैसे एक परिस्थिति में हैबेल को विश्वास कैसे मिला, वो आज हमें सुबह से सोचनी चाहिए। हेबेल को विश्वास कहाँ से मिला? अपने पप्पा से मिला, अपने मम्मी से मिला। पप्पा मम्मी ने उसको इंस्ट्रक्शन बताया था कि वो लोग वाटिका से फल खाने के बाद क्या हुए, नंगे हो गए। नंगे होने पर अपने नंगेपन को छुपाने के लिए वो लोग क्या किए, एक पेड़ के पत्तों के द्वारा कपड़ा सिलवा के रखा, मगर उस कपड़ा उनको क्या कर दिया, परमेश्वर के सामने लज्जित करवा दिया। लज्जित होने पर उनके ऊपर परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन की सब वाणी मिलने के बाद परमेश्वर उनको क्या करते जानते ना, एक मेमना को मार कर उसकी चमड़ा निकाल के उनको क्या किया जाता है, ढका जाता है। हेलो, तो आदम को मालूम चला कि परमेश्वर बलियाग में विश्वास करने वाले एक परमेश्वर है, नहीं तो बलि अर्पण को अंगीकार करने वाला एक परमेश्वर है बोलकर उस दिन उसको पता चला। अरे जब आदम को चमड़ा मिला, बाकी जो मांस जो थी, बाकी जो खून लहू जो थी, वो परमेश्वर ले गए। किसका? वो मेमने का। वो चीज किसके मन में घुस गया? आदम के मन में घुस गया। वो विश्वास को किसको दिया? अपने बच्चों को दिया। मगर बच्चों को देने पर एक लड़का ने वो विश्वास को क्या किया, एक्सेप्ट किया। वो है हेबेल की विश्वास। हम लोग सब सोचते हैं हेबेल ने एक बछड़ा लेके आया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर का पसंद क्या है, विश्वास का अर्थ अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर परमेश्वर क्या चाहते हैं उसको हम पूरा करना, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर उसको हम क्या करना, सफलीकरण करना। विश्वास कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। तो ये हेबेल को विश्वास कैसे मिली? पापा से मिला, अपने
अपने पापा मम्मी से मिला, उनको मालूम, उनके सामने है परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमना को मारकर उसके लहू और शरीर को अलग करके उसके अंदर से चमड़ा निकाल के उनको क्या कर वस्त्र पहनाया, ताकि थोड़ी देर के लिए वो मुक्ति पा सके, नहीं तो श्रेष्ठता पा सके, नहीं तो परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रख सके। इसीलिए हेबल ने क्या किया, बलि अर्पण करने के लिए उसने क्या किया, जो चीज परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन में कहा जाने के हिसाब से, उसने वैसा एक श्रेष्ठ चीज परमेश्वर के सामने लेकर बलि अर्पण किया, वो है विश्वास। तो ये चीज काइन को भी मालूम था, मगर काइन ने वो किया नहीं। काइन ने क्या किया जानते हो ना, अविश्वास के साथ अपने फल फलों के बीचों में से कुछ लेकर परमेश्वर के सन्निधि में आया। अरे फल लेके आने से क्या फायदा, फल लेके आने से कुछ फायदा कुछ नहीं। अगर परमेश्वर की आग उतरेगी तो क्या होगा, अगर मेमने के ऊपर आग उतरेगा वो क्या कर सकता है, मन अच्छा एक सुवासना दे सकता है, वो क्या शक्ति दे सकता है, उधारी दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, श्रेष्ठता दे सकता है, परमेश्वर के साथ संगति दे सकता है, व्यवस्था की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के हिसाब से हो सकता है। मगर काइन ने व्यवस्था के हिसाब को क्या करने की कोशिश नहीं किया, पूर्णता लाने की कोशिश नहीं किया, अविश्वास के साथ अर्पण किया, अविश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आया, हृदय के अंदर क्या था, दुष्टता से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के निकट आया। नहीं तो अपने हृदय में कुछ करने की इच्छा ही ना होकर ही लेके आकर देकर परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए देकर, इसीलिए परमेश्वर उस पे क्या नहीं किए, पसंद नहीं किए। हेलो, यहां चौथी वचन में बताया गया, हेबल को विश्वास के कारण परमेश्वर उसका बलियाग को क्या किए, पसंद किए। पसंद करना ही नहीं, आखिरी में क्या बताया गया, उसको धार्मिक बताए परमेश्वर। ओ एक बार पढ़ के देखते हैं, चौथी वचन। विश्वासी से हाबिल ने ऐसे उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी पुत्र की गवाही भी दी गई कि हाँ परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी तक बातें करता है। हेलो, वो मरने पर भी वो बातें कर रहा है, क्या है, अरे उसको मार दिए मगर उसके विश्वास को नहीं मार पाया, उसे मार दिए मगर उसकी अर्पण जो व्यवस्था के हिसाब से थी उसको कोई मार नहीं सका। इसीलिए ना लेवियों के किताब में, नहीं तो मूसा के व्यवस्था में भी वही की दिया गया, परमेश्वर क्या करना शुरू किए, बलि अर्पण के लिए क्या क्या चुने, पशुओं को चुने। हेलो, हमें मालूम करने वाले, नहीं तो भविष्य में जो होने वाली है उस चीज को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को जान के उसने क्या क्या पूर्ण कर लिया, वही है हेबल के विश्वास। इसलिए हेबल का विश्वास आज भी पुकार रहा है, कारण क्या है, वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को माना। अब उसकी आठवीं वचन पढ़ते हैं, इब्राहिम के बारे में लिखा गया, आठवीं वचन। देखो अब्राहम के बारे में क्या है, अब्राहम को परमेश्वर आवाज दिए, बोले मैं तुम्हें जिस देश को लेके जा रहा हूं वहां पे जाने के लिए तुम तैयार बन जाओ। तुरंत इसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर दिया, परमेश्वर को एक व्यक्ति के समान विश्वास किया। विश्वास करके उसने क्या किया, सब कुछ प्रस्तुत करके निकला, कहां, परमेश्वर की अन्वेषण करते हुए, परमेश्वर की आवाज के हिसाब से, नहीं तो परमेश्वर की मैनुअल के हिसाब से वो अपना जीवन को चलवाना शुरुआत किया। उसके द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर उसको क्या किए, जिस मकसद से बुलाए उस मकसद तक परमेश्वर उसको पहुंचाए। हेलो, अगर स्वर्गीय शिक्षा पाने की कोशिश करेंगे,
हेबेल ने स्वर्गीय शिक्षा की पाने की कोशिश की, वो उसको मुक्ति दिला सका, वो उसको परमेश्वर के सन्निधि में बलिदान देने की श्रेष्ठता मिल सकी, वो परमेश्वर का गिफ्ट पा सका, वो परमेश्वर के साथ मरने पर भी उसके उसका शब्द आज भी पुकारने जैसा परमेश्वर उसका जीवन परिवर्तन में दे दिया सका। ऐसा है तो अब्राहम को भी अगर पूछेंगे, अब्राहम आपने क्या सुनकर आपने यीशु परमेश्वर के अन्वेषण करके ढूंढ रहे हो, निकल रहे हो, तो वो एक ही बोलेगा, मैंने एक आवाज सुना। क्योंकि एक जमाने में अब्राहम मूर्ति पूजक था, मूर्तियों के बीच में मूर्तियों को बेचकर जीवन यापन करने वाला, ये मूर्तियों कभी उससे बात नहीं करती थी। उन मूर्तियों के बीच में सच्चा परमेश्वर उससे जब बात किया, उन मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की आवाज को पूरी तरीके से उसने विश्वास किया। दाएं और बाएं कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर जहां जाने के लिए बोले वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना शुरुआत किया। इसीलिए परमेश्वर उसको क्या किए, उसके लिए जो जगहें रखे थे वो सब कुछ परमेश्वर उसको लिए दिए। अब उसकी 13वां अध्याय की दूसरे उत्पत्ति का किताब 13वां अध्याय दूसरा वचन, देखा ना 13वां अध्याय में, 12वां अध्याय में परमेश्वर उसको बुलाए, 12वां अध्याय में परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन मानना शुरू किया। परमेश्वर उसको क्या किए, 13वां अध्याय दूसरा वचन बोलता है, परमेश्वर उसको क्या किए, अधिक धनी बनाए। नहीं तो परमेश्वर उसके जीवन में समृद्धि देना शुरू किए, नहीं तो परमेश्वर उसके जीवन में बहुत कुछ देना शुरू किए, वो धनी बना। धनी का अर्थ क्या है, वो भारी हो गया। निकलते वक्त कुछ है ही नहीं थी उसके पास, मगर परमेश्वर के साथ चलते चलते अपना जीवन में भारी भारी रकम में धनी होने लगा। हेलो, परमेश्वर हमें धनी क्यों बनाते हैं, ताकि हम इस भार को उठा के लोगों को दे सके। हेलो, इसीलिए अब्राहम जहां कहीं भी जाता था, परमेश्वर उसको धनी बनाने के कारण हर जगहों में वो क्या करता था, कुआं खोदता था, कुआं खोदता था। क्यों, कुआं खोदना कम बात है क्या? कुआं खोदना है तो जमीन खरीदना है, जमीन खरीदना है तो क्या करना चाहिए, लोगों को पैसा देकर खरीदारी करना। इसीलिए परमेश्वर उसको धनी किए। धनी करने पर उसने क्या किया, जगह जगह पर क्या करना शुरू किया, बलिवेदी, बलिवेदी ऐसे खाली जगह में खरीद कोई कर सकता है क्या? नहीं। उसने क्या किया, कुआं खोदना शुरू किया, बलिवेदी कहें हो अर्पण, बलिवेदियां सुबह खरीदना शुरू किया, जगहें खरीदना शुरू किया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो है भार। यीशु मसीह कहते हैं एक धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसके ऊपर धन का भार पड़ा है। कब वो लाइट बन सकता है? जब वो परमेश्वर के लिए काम करने लगता है, नहीं तो उस भार को परमेश्वर के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए बाइबल में कहता है कि एक एक ऊंट क्या कर सकता है, सुई के छेद से निकल सकता है, मगर एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में निकलना मुश्किल है। तो उसका अर्थ क्या है, धनी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, छेदों के बीच से नहीं जा सकता। क्यों? वो जा सकता है, मगर उसका धन उसको रुकावट बन सकता है। इसलिए उस धन रुकावट ना होने के लिए मेक इट लाइट, उसको और भी लाइट बना दो। वही परमेश्वर चाहते हैं। यहां पे अब्राहम को परमेश्वर ने धनी किया। धनी क्यों किया? वो भारी बन गया। भारी बनने पर इस भार को ना उठा के उठा पाके इसने क्या करना शुरू किया, जगह जगहों पे कुआं खोदना शुरू किया, जगह जगहों के लिए जगहों में परमेश्वर की आराधना करने की जगहें तैयार करना शुरू की, लोगों को हमदर्दी करना शुरू किया, लोगों को सहायक मंद बनने की कोशिश किया। वैसा परमेश्वर की महिमा किया, वैसे लोगों को आराधना करने की अवसर खोल दिया। उस जमाने में पानी मिलना बहुत मुश्किल बात है। कुआं खोदने पर लोगों को क्या कर सकता था, पानी पीने की अवसर। जब लोग पानी पीते थे तो वहां पे उनको पता पसंद का वो लोग किस पानी, अरे एक प्यासा एक व्यक्ति को पानी मिलता है तो पहले किसको धन्यवाद बोलता है?
परमेश्वर को ही बोलेगा, हाँ प्रभु मेरे को दिया ना। वो को जो कौन सी भी जो कौन सी ईश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति होने से भी अपना परमेश्वर को वो क्या करेगा, धन्यवाद करेगा। उसके बाद वो दूसरी बात क्या बोलेगा, जिसने इस कुआं बनाए, जिसने इस बोरिंग बनाए, जिसने इस टैंक को बनाए, परमेश्वर उसको आशीष करो, एक बात तो बोलेगा। वो है परमेश्वर उसको धनी करने का मकसद, किस किस चीजों में परमेश्वर उसको धनी किए वहां पे बताया गया, तीन चीजों में परमेश्वर उसको धनी किया। एक पशुओं में परमेश्वर उसको धनी कर दिए, दूसरा सिल्वर चांदी में परमेश्वर उसको धनी किए, तीसरा सोना। हेलो, चांदी का मतलब क्या है, चांदी का गुण क्या है बोलने से, वो टैलेंट है। परमेश्वर हमको बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट दिए हैं, हमें वो परमेश्वर के लिए उपयोग करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छाओं को सफलीकृत करते जैसे हमें उसको पसंद उपयोग में लाना चाहिए। तीसरी वाली चीज क्या है, सोना। सोना ऐसा एक चीज है उसमें कलंकित चीजें रह सकती है, बहुत सालों के बाद उसको क्या किया जाता है, फिर से नया किया जाता है। वैसे ही चांदी को भी नया किया जाता है, क्यों, उसमें मलिनता हो सकती है। धनी होना बड़ी बात नहीं है, मगर धनी होने पर वो हमारे अंदर मलिनता ला सकती है, तो उसको क्या, किसकी जरूरत है, आग की जरूरत है। धनी बनना बड़ी बात नहीं है, धनी हमारे अंदर कलंकता ला सकता है, दुष्टता ला सकता है, मूर्खता ला सकता है, व्यर्थता ला सकता है, मगर उसे हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की अग्नि के बीच में लेके जाना की कोशिश करना चाहिए, तब उसमें शुद्धिकरण हो सकती है। जब 1 किलो का सोना खरीदे, 3 साल 5 साल के बाद वो और 1 किलो नहीं रहता, कितना बन जाता है, कम से कम एक 900 किलो बन जाता, 900 ग्राम बन जाता है। क्यों, कलंकता मलिनता उसमें क्या करना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। फिर से उसमें क्या किया जाएगा, उसको 619 से बदलने के लिए, उसको 619 गोल्ड बनाने के लिए क्या क्या फिर से उसमें क्या मिलाया जाता है, दूसरे सिल्वर मिलाया जाता है, ब्रॉन्ज मिलाया जाता है, दूसरे एलिमेंट उसको मिलाते हैं, तो फिर से वो 1 किलो बनता है। हाँ या ना, अगर सोना सोने की सोनापन खो सकता है, तो हमारा धनी, हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमको धनी करने से भी हमारे अंदर की श्रेष्ठताएं खो सकती है। ना खोने के लिए अब्राहम ने क्या किया जानते हो ना, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रख के जीवन चलाना शुरू किया। इसलिए आज मेरी बोलने का मतलब, इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के वचनों के हिसाब से होने से हमें परमेश्वर आशीष करेंगे, हमें परमेश्वर बड़ा करेंगे, हमारा नाम को परमेश्वर रोशनी रोशनीवान करेंगे, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कलंकित नहीं होंगे। इसलिए उसकी 14वीं अध्याय 16वां वचन अगर पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 14वां अध्याय 16 वचन, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और संपत्तियों को लौटा ले आया। देखा ना उसने क्या किया, वहां पे उसके 16वां वचन में बताया गया, ब्रॉट बैक, सब कुछ को अपने पीछे ले आया। किन चीजों को, अपने घर के लोगों को, अपने भाई को, सबको क्या किया, परमेश्वर के पीछे ले आने की कोशिश किया, नहीं तो आत्मिक बनाने की कोशिश किया, नहीं तो जीवन को परमेश्वर से केंद्रित करने के लिए शुरू किया। इसीलिए ना उसके घर से भाग गई हागर से परमेश्वर की दूता बात करने का अवसर क्या क्या जरूरत है। देखो कितना परमेश्वर उसके पीछे आए हुए लोगों को कितना परमेश्वर के साथ भरोसा दिलवाया, ताकि परमेश्वर के दूता क्या किए, हागर से भी बात किए, हागर के लिए रास्ता खोले, परमेश्वर क्या किए, हागर के संतान को भी परमेश्वर आशीष किए। उस अवसर से रास्ता खोलने के लिए लोगों को क्या किया, परमेश्वर के पीछे लेते हुए अब्राहम ने क्या किया, विश्वास में अपने लोगों का श्रेष्ठता दिलवाया। हेलो, धनी बनना बड़ी बात नहीं है, धनी बनने पर हमारे पीछे जितने लोग हैं उतने लोगों को परमेश्वर के रास्ता पीछे ले आने चाहिए। हालेलुया, वो है इंस्ट्रक्शन, वो परमेश्वर सिखा रहे हैं।
इसीलिए 12वां अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन में अब्राहम को परमेश्वर आशीष करके बोले क्या जानते ना, मैं तुम्हें बहुत आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे नाम को क्या करूंगा, गौरवान्वित करूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा सब प्रजाओं को क्या करूंगा, आशीष करूंगा, जो कोई तुझे श्रापित करेगा, जो कोई तेरे विरुद्ध आएगा, मैं उसे क्या करूंगा, श्रापित करवा दूंगा, अभिशाप दे दूंगा, नाश कर दूंगा। क्या आशीष उसके जीवन में मिला। परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो आशीष दिए हैं, क्यों? ताकि हमें भी परमेश्वर धनी बनाने की कोशिश चाहते हैं, परमेश्वर हमें भी उन्नति दिलवाने की कोशिश चाहते हैं, परमेश्वर में हमारे जीवन में भी सब कुछ की बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। वो देकाई के लिए दे क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारे द्वारा कितने लोग भी परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम सके, परमेश्वर के परिवार में योगदान पा सके। वो है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन। उसमें अब्राहम क्या था? करेक्ट था, डिसिप्लिन्ड था। हेलो, एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है डिसिप्लिन। अनेक दिन परमेश्वर के साथ इंस्ट्रक्शन मान मान के चलते हैं तो ही हमें सीनियोरिटी मिलती है। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में क्या होता है, हम एक साधारण एक चौकीदार के हिसाब से हम एंट्री लेते हैं, मगर काम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से धीरे 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 हमें क्या मिलती है, उन्नति मिलती है। उन्नति कहाँ तक मिल सकती है? जैसे कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की श्रेष्ठ पदवी तक उन्नति मिल सकता है। उन्नति मिलने का अर्थ क्या है? ताकि एक झुंड को पूरी तरीके से लीडरशिप में ले सकते हैं। हेलो, परमेश्वर उन्नति काय के लिए देते हैं? परमेश्वर हमें धनी क्यों बनाते हैं? परमेश्वर हमारा नाम रोशन क्यों करवाते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में श्रेष्ठ दाने सब कुछ क्यों देते हैं? ताकि एक झुंड को लीडरशिप के साथ परमेश्वर के निकट ला सकते हैं। हम लोग सोचते हैं मुझे परमेश्वर धनी किया, मैं खाया, मैं पिया, मैं मरा। इसलिए ना, एक धनी व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर में उस साल क्या किया, बहुत खेती कर दिया। खेती करने के बाद बहुत अनाज फलने के बाद इसने क्या किया, जो गोडाउन थी वो छोटी थी, गोडाउन फुल हो गया, तुरंत क्या किया जाता है, गोडाउन को तोड़कर और अधिक बना दिया। बना देने के बाद क्या किया जाने, वो गोडाउन इतना बड़ा बना के रख दिया कि उस साल जितना भी अमानत मिली, नहीं तो उस साल जितना भी फल मिला, सब कुछ को रखने पर भी खाली जगह दिखाई दी। सब कुछ रखने पर भी क्या दिखाई दी, खालीपन दिखा दिया। खालीपन दिखाई देने पर उसने क्या बोला जानते ना, हे मेरे मन, खा पी मौज कर। हेलो, जब संपत्ति बढ़ जाती है खालीपन ज्यादा हो जाता है, जब धन बढ़ जाता है खालीपन ज्यादा हो जाता है। उस खालीपन को भर्ती करने के लिए एक झुंड को हमें तैयार करना चाहिए। वही ना योसेफ ने किया, जब अपने धन का, धान्य का सब कुछ भर्ती होना शुरू किया, लोग आकर लोग आकर खाना पूछते वक्त योसेफ ने क्या किया, सब कुछ लोगों को देने की, बांटने की मन। योसेफ को परमेश्वर धनी किए, उसके द्वारा उसने सबको फायदा किया, किसी का नष्ट नहीं किया। क्यों? अगर हम उस योसेफ के स्थान में होते जो भाइयों ने हमें कुएं में कुचल डाले थे, वो भाइयां अगर वापस आएंगे तो हम क्या देंगे, 40 कोड़ी या लोहा गरम करके उनके मुंह पे डालना, क्या करेंगे हम? यूसुफ ने वो कुछ नहीं किया, उनको जरूरत वाली हिसाब से खाना दिया, उनको घर लेने के हिसाब से चीजों को दिया, उनको क्या किया, परमेश्वर के साथ केंद्रित करते हुए उनको क्या किया, सपोर्ट देकर बना। हालेलुया, वो है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन। अब एक्सोडस चैप्टर 5:1-2, 5वां अध्याय 1-2, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड।
यहां पे बताया कि अनुमय में देख सकते हैं मूसा और अहरोन कहां पे फरो के निकट जाकर परमेश्वर की श्रेष्ठता के बारे में बोलने पर उसने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। योसेफ के जमाने के बाद क्या हुआ जानते हो ना, ऐसा एक फरो के राजा आ गए जो कि योसेफ के बारे में ना जानते थे, जो कि याकूब के बारे में जानते थे, जो इसराइलियों के बारे में ना जानते थे। ऐसा एक झुंड तैयार हो गया। तैयार होने पर क्या हुआ जानते हो ना, लोगों को झुंड बढ़ते द्वारा उनकी उस देश का सफलीकरण होना शुरू हो गया। होने पर फरो ने क्या किया जानते हो ना, इसराइलियों को इतना घिनौनी तरीके से काम दिया करता था कि खाना देना मुश्किल, क्या पीट पीट कर उनको खाना दिलवाता था। ऐसे रोते वक्त परमेश्वर उनका रोना सुनने पर मूसा और अहरोन को भेजा। अहरोन को भेजकर परमेश्वर फरो से क्या बात कर रहे जानते ना, मेरे इस इसराइलियों को भेज ताकि वो क्या कर सके, परमेश्वर को आराधना कर सके, नहीं तो परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते। उसलिए उनको कहाँ भेजने के लिए बोल रहे हैं, मरुभूमि में भेजने के लिए बोल रहे हैं। अरे मरुभूमि में कैसे आराधना, वो है परमेश्वर की आराधना। जहां मरुभूमि एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी मिलना है परमेश्वर की और अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा एक मैनुअल सिस्टम है परमेश्वर इसराइलियों को लेके आए। मिस्र देश में, अईगुप्त देश, इजिप्ट के देश में उनको खाना कहां से मिलता था, फरो के घर से मिलता था। उनको पानी कहां से मिलता था, नील नदी से मिलता था। उनको खाना अन्न सब कहाँ से मिलता था, फरो के हाथ से मिलता था। इसीलिए वो लोग वहां पे क्या करते थे, जितना काम करवाने के लिए बोलते थे तो उतना काम करते थे, कभी भी फाइट नहीं करते थे, कभी भी फरो के विरुद्ध युद्ध नहीं किए। मगर परमेश्वर उनको मिस्र देश से, परमेश्वर उनको किनान तक लेते वक्त कितना बार परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध किए। अरे ये युद्ध फरो के साथ कर सकते थे ना, फरो के साथ क्यों नहीं किए, इंस्ट्रक्शन नहीं। इंस्ट्रक्शन नहीं होने पर अविवेकता उनके मन में नहीं आया। जब मिस्र देश से परमेश्वर उनको अलग किए, इंस्ट्रक्शन आ गया, शिक्षा आ गई। शिक्षा आने पर विरोध करना शुरू किए। वैसा ही है ना, लोग अभी बच्चे लोग ज्यादा पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं, कॉलेज के विरुद्ध में ही स्ट्राइक करते हैं। क्यों करते हैं, पढ़ाई ज्यादा होने पर डिमांड ज्यादा होने लगता है, हमें स्कूल में पढ़ाई नहीं दी है, हमें छुट्टी नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहे। क्या कर रहे हैं, रेबिलियस बन रहे, अगेंस्ट बन रहे। क्यों, शिक्षा बढ़ने के कारण। जब कुछ नहीं मिलता था कुछ नहीं करते थे, जब सब मिलना शुरू किए क्या करना शुरू किए, विरोध बनना शुरू किए। इसीलिए उनको इंस्ट्रक्शन मिलने पर, इंस्ट्रक्शन को ना मानने पर वो लोग अविवेकी बन गए, उनका विवेक नष्ट हो गया, वो परमेश्वर से अलग होना शुरू किए। उनके जीवन को वो लोग क्या करना चाहिए, वो क्या करना शुरू किए, नष्ट करना शुरू किए। अब ड्यूटरनॉमी चैप्टर 34 का 10 अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं मूसा के बाद परमेश्वर किसको यूज करते हैं, योशुआ को यूज करते हैं। 34:10 Deuteronomy chapter 34 verse 10. Hallelujah. Hello. परमेश्वर इंस्ट्रक्शन काय के लिए हमें दे रहे हैं, ताकि हमें परमेश्वर के साथ आमना सामना बात करने के लिए, हेलो, फेस टू फेस। अगर फेस टू फेस बात नहीं करते परमेश्वर के साथ तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंस्ट्रक्शन के हिसाब हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना के साथ परमेश्वर फेस टू फेस बात करते वक्त वो परमेश्वर के सन्निधि में क्या किया, अपने आप को नत करके नीचे गिरकर परमेश्वर को आराधना करना शुरू किया। परमेश्वर के बार परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपयुक्त श्रेष्ठ पुरुष लोग
जब परमेश्वर को मुखामुख देखे, तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरकर, अपने सर के ऊपर सर के ऊपर ही मुकुट को नीचे गिराकर, नीचे गिरकर परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करने की शुरुआत क्यों की? परमेश्वर को मुखामुख देखे। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दिए हैं? ताकि हमें परमेश्वर के सामने आमना सामना देखने के लिए। हेलो, अगर परमेश्वर के सामने मुखामुख देखेंगे तो क्या होगी परिस्थिति? इसीलिए एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के सामने पेश करके लेके आ गया। लेके आने का मकसद क्या था जानते हो ना? यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए कि वो व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है, वो व्यवस्था के हिसाब से ही न्याय देता है कि नहीं। परीक्षा करने के लिए किसको पकड़ के आया? एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लेके आया। तुरंत यीशु मसीह क्या करना शुरू किए? आमना सामना खड़े होकर बात करना शुरू किए। शुरू करते वक्त लोग कैसे आए थे? व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर साथ में पत्थर भी लेके आए थे। कह के लिए कुछ भी अदला बदली हुआ उस औरत के साथ यीशु मसीह को भी मार देने के लिए। यीशु मसीह आमना सामना खड़े होकर व्यवस्था की किताब खोलकर नीचे नीचे मिट्टी में बैठकर लिखना शुरू किए। नया व्यवस्था लिखना शुरू किए। व्यवस्था लिखना लोगों को देखना, व्यवस्था लिखना लोगों को भी दिखना, और उसको समझाने की कोशिश किया। तुम्हारे बीच में ऐसा कोई नहीं है क्या कि जो कोई अपने जीवन में कभी भी पाप किया नहीं हो? ऐसा कोई है तो खड़े हो, बाकी सब निकल जाओ। ऐसा है तो जो कोई रुक जाता है वो व्यक्ति पत्थर मार सकता है। वो है व्यवस्था, इंस्ट्रक्शन। मिट्टी में लिखना शुरू किया, इंस्ट्रक्शन बोलना शुरू किया। क्या हुआ? 2-3 मिनट के अंदर सब पत्थर छोड़े, भागे घर। जो पत्थर लाए थे वो पत्थर को उधर छोड़ दिए, पत्थर गिरा दिए, निकले अकेले 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 अकेले। मगर कितने आदमी रुके? यीशु मसीह और उस पापिनी स्त्री, वो दोनों रुक गए। यीशु मसीह लिखना बंद किए, तुरंत उस औरत की मुंह की ओर देखना शुरू किए। मुखामुख यीशु मसीह को देखने पर यीशु मसीह उसको एक व्यवस्था बोला, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, और कदापि तू क्या ना कर, पाप ना कर। अब तक तूने जो कुछ किया किया तो किया, हो गया, आज से वो चीज बंद हो गई। क्यों? तूने मुझे देख ली है। तूने मुझे देखने पर तुझे उद्धारी मिल गई है, तुझे माफी मिल गई है, तुझे नया जीवन मिल गया है, तेरी जीवन श्रेष्ठता में चलना शुरू कर दिया। इसीलिए पुराने जिंदगी को पुनर्वार दोहराना की कोशिश मत कर। इंस्ट्रक्शन क्यों दिया गया? ताकि हम परमेश्वर को मुखामुख देख सके। हम सबको कौन चाहिए? नन्ना यीशु चाहिए, फोटो यीशु चाहिए, टैटू यीशु चाहिए, सूली का यीशु चाहिए, असली यीशु को नहीं चाहिए। हालेलुया। अरे, एक व्यक्ति को मुखामुख देखना, उसका मूर्ति को देखना, उसका फोटो को देखने में अंतर नहीं है क्या? एक मनुष्य को मुखामुख देखना, उदाहरण गांधी जी, अब तो जिंदा नहीं है, उसको मुखामुख देखना, उसके फोटो को देखना, हेलो, मुखामुख देखने पर हमें 3D दिखाई देती है। 3D फोटो फ्रेम को देखने वक्त 3D नहीं, 2D है, 2D। अरे, परमेश्वर चाहते हैं उसको चारों ओर से देखना की शुरुआत करो। आमना सामना एक व्यक्ति परमेश्वर को देखने पर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। वही ना पौलस अपने जीवन में बोलते। क्यों? पौलस अपना इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नहीं देख रहे, अपने मर्जियों को पूरा करने की को, क्योंकि परमेश्वर को उसने आमना सामना देखा। कहां? दमस्कस के रास्ते पे जाते वक्त घोड़े के ऊपर बैठकर इसराइलियों का, नहीं तो रोमा साम्राज्य का अधिकार का पत्र अपने हाथ में अटोर्नी पकड़कर छाती में रखकर घोड़े के ऊपर ठड़क 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 करके जाते वक्त यीशु मसीह को आमना सामना देखा।
देखना ही नहीं, यीशु मसीह ने उसके नाम को पुकारा। पुकारने का तुरंत बैठे हुए घोड़े के पदवी से नीचे गिर गया। हेलो, इंस्ट्रक्शन मिलना बड़ी बात नहीं है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मुखामुख यीशु मसीह को देखना चाहिए। सी जीसस फेस टू फेस। इसीलिए हेबेल के बारे में कहा गया, उसने यीशु मसीह को मुखामुख देखा। कैसे? विश्वास के द्वारा, बलि अर्पण करने के द्वारा, परमेश्वर पसंद किए, परमेश्वर को मुखामुख देखा, फेस टू फेस। इसीलिए परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। उसके भाई को पूछ रहे, तूने तेरे भाई का कत्ल किया क्या? तेरा भाई कहां गया? तो वो क्या बोल रहा है, मैं क्या मेरे भाई का रक्षक हूं? तब परमेश्वर क्या हृदय में बोले होंगे जानते हो ना, अरे मैं उसका रक्षक हूं, मैं उसको मुक्ति दिया हूं, मैंने उसको उद्धारी दिया है, मैंने उसका जीवन में पसंद किया है, मैंने उसके जीवन में विश्वास देखा है, मैंने उसका आराधना देखा है, मैंने उसका पवित्रता देखा है, मैंने उसका शब्द सुना है। दूते उसको मार दिया, कुछ परवाह नहीं, मगर आज भी उसकी आवाज धरती में गुंजगुजाहट कर रही है। हालेलुया। वही अब्राहम यीशु मसीह को विश्वास करके, यीशु मसीह के बातों के सुनकर अपना जीवन को क्या किया, वो परमेश्वर की आवाज के हिसाब से केंद्रित करके चलना शुरू किया। परमेश्वर को मुखामुख देखा। कब? जब उसके जीवन में बच्चे नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय परमेश्वर यीशु मसीह अपने दो दूतों के संग किसको मिलने के लिए आए? अब्राहम से मिलने के लिए आए। अब्राहम बहुत दुखी बनकर वेदना के परिस्थिति से घर के बाहरी हिस्सा में बैठा है, तुरंत देखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह को देखते ही उसने क्या किया, खान पीन की सब कुछ तैयारी की, उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ संगति मनाया, परमेश्वर के साथ खाना खाया, परमेश्वर के साथ प्रजोदन पाया, परमेश्वर के निकट प्रार्थना विनती की। परमेश्वर उसको क्या किए, एक देश को नष्ट करने का विषय के बारे में रहस्य उसको बोले। बोलने पर उसने क्या किया, परमेश्वर के सन्निधि में अपने भाई के प्रति उसने क्या किया, गुंजगुजाहिश करना शुरू किया, गुजारिश करना शुरू किया, पांव पकड़ना शुरू किया अपने भाई को बचाने के लिए। उसके दिल के अंदर एक वेदना जन्म हुई और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अगर 10 आदमी वहां पे हैं तो उस नगरी को नष्ट करेंगे कहा? हेलो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में परमेश्वर हमें ऐड अप क्यों किए जानते हो? ताकि हम नष्ट ना हो। हमारे ऊपर सोदोम गोमोरा के ऊपर गिरा उस अग्नि का गंधक हमारे ऊपर ना गिरे, हमारे भाइयों उसमें ना मिलित हो। उसलिए परमेश्वर हमको इंस्ट्रक्शन दिए, उसलिए परमेश्वर हमको धनी बनाए, उसलिए परमेश्वर हमारे बलियाग पे प्रसन्न है, इसलिए परमेश्वर हमारा विश्वास देख रहे हैं, उसलिए परमेश्वर हमारा गवाही देख रहे हैं, इसलिए हमारे परमेश्वर पवित्र कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर की कुछ श्रेष्ठताएं दूसरी लोगों को ज्ञान बुद्धि श्रेष्ठता परमेश्वर के निकट करीब लानी अनुभव। हेलो, वो है इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को देखो। इसीलिए यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसके बारे में चिंतित ना हो। उसके बारे में कौन चिंतित करने के लिए है? परमेश्वर है। अरे पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करो, परमेश्वर के न्याय के बारे में चिंता करो, परमेश्वर की व्यवस्था धार्मिकता के बारे में अन्वेषण करो, ताकि तुम्हारा जो जरूरत है वो सब कुछ को क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज फिर से परमेश्वर मैनुअल बुक से के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे रहे, ताकि हम अपने जीवन को डिसिप्लिन कर सके। इसीलिए पौलुस अपने जिंदगी में बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे दमस्कस के रास्ते पे मिलने की कारण क्या है, मेरा जीवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आने के लिए। इसीलिए उसने क्या किया, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होकर सुसमाचार बोलकर अनेक जगहों में जाकर परमेश्वर के लिए कलीसिया बनाना शुरू किया। अपने बारे में उसने कभी सोचा नहीं, हरदम किसके बारे में, कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की मर्जियां को पूरा करने की इच्छा।
वो एक ही हिसाब से उसने कितना लिखा, 14 पत्रिकाएं लिखा। वो 14 पत्रिकाएं पासवान लोगों के लिए भी है, विश्वासी लोगों के लिए है, अन्य जाति के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, सबके लिए, सबको यीशु मसीह में केंद्रित करने वाला एक शिक्षा मैनुअल भी, हिसाब के इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हिसाब से लोगों को दिया। इसलिए जो वचन हमने पढ़ी भूलना नहीं, फिलिप्पियों का किताब 2 अध्याय 21वां वचन क्या बोल रहा है, तुम अपने मर्जियों को पूरा करने का ना सोचो, वरन यीशु मसीह की मर्जियों को पूरा करने की सोचो। हमारे इंटरेस्ट के लिए हम सोचेंगे तो क्या करेंगे, मेरा मेरा मेरा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह के ऊपर आधारित होकर हम जीवन चलाएंगे तो हमारा मकसद क्या है, सब कुछ यीशु के लिए, सब कुछ यीशु के लिए। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब, मैं जीवित हूं परमेश्वर के लिए हूं, अगर मरता भी हूं तो वो मेरे लिए क्या है, लाभजनक है। कौन है मरने के लिए तैयार? बहुत कम लोग है, सब प्रार्थना में एक ही बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, परमेश्वर मुझे जीवित रखो, मैं मरना नहीं चाहता। पौलुस बोलता है मैं मरता भी हूं उसमें भी क्या है, लाभ है, कोई नष्ट है ही नहीं। क्यों? मकसद परमेश्वर की, मैनुअल मैंने लोगों को परमेश्वर के बारे में दिया। इसीलिए आज भी परमेश्वर हमें बोलने वाली अनुभव, हमें परमेश्वर उन्नति में लाते वक्त हम भी सलोमोन के समान बन जाते हैं। सलोमोन ने सबसे बड़ा क्या बनाया, कलीसिया बनाया, मंडली बनाया, झुंड को तैयार किया, म्यूजिक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पूरा किया, आराधना की श्रेणियां सृष्टि कर दी, पुरोहितों का वर्ग को सृष्टि कर दिया, सब कुछ ओहो मस्त कलंकित रीति से कर दिया, सुपर नेचुरल रीति से, हजारों हजारों झुंड एक साथ परमेश्वर को आराधना कर सके। सलोमोन के जमाने में बलि ऐसा होता था कि पूरा मिट्टी खून से भर जाता था, उतना बलियां होती थी, उतना श्रेष्ठ रीति से परमेश्वर के लिए सब कुछ करने वाला वो सोलोमोन आखिरी आखिरी हिस्सों में अपना जीवन बुद्धिहीन व्यक्ति से भी कमजोर बन गया, निर्बुद्धि बन गया, परमेश्वर के शिक्षा से पूरी तरीके से गिर गया, अपने इच्छाओं को क्या करना शुरू किया, महिमानित करना शुरू किया। इसलिए उसने क्या किया, कहां कहां का हाथियां, कहां कहां का बंदर, कहां कहां का कुत्ते, कहां कहां का पीकॉक, कहां कहां का जानवर, कहां कहां की औरत, कहां कहां की मूर्तियां, कहां कहां की औजार, कहां कहां की चीजें, सब कुछ लाकर अपने घर में इकट्ठा कर दिया, और उस घर में परमेश्वर छोड़ के बाकी सब कुछ था। परमेश्वर छोड़ के बाकी सब, उसके मौत के समय में वो क्या बन गया जानते हो ना, एक टॉय बन गया, नाच बिटुआ नाच, ऐसा ऐसा नाच, वो हालत बन गया उसका। जो उसकी बीवियां बोलता था वो मानता था, जो उसके सर पक्ष वाले बोलते थे वो मानता था, नाचना शुरू किया, बुढ़ापे पे नाच नाच कर परमेश्वर की महिमा नहीं, चीजों की महिमा। हेलो, परमेश्वर से बुद्धि पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के लिए सब कुछ किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की श्रेष्ठता ने पाया हुआ व्यक्ति, उसके बारे में कोई बोलने वाला है ही नहीं, मगर हेबेल के बारे में बोलने के लिए है, अब्राहम के बारे में बोलने के लिए है, इसहाक के बारे में बोलने के लिए है, याकूब के बारे में बोलने के लिए है, योसेफ के बारे में बोलने के लिए है, एलिया के बारे में बोलने के लिए है, एलिशा के बारे में बोलने के लिए है, परमेश्वर के दास यरमिया के बारे में बोलने के लिए, इसकेल के बारे में बोलने, इजैया के बारे में बोलने के लिए है, पतरस के बारे में बोलने के लिए है, यूहन्ना के बारे में बोलने के लिए है, पावलस के बारे में बोलने के लिए। क्यों? वो सब अपने मर्जियों को छोड़कर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आमना सामना परमेश्वर को देखा। इसलिए तो यूहन्ना बोल रहा है मैंने परमेश्वर का आमना सामना देखा, इसलिए ना पतरस भी देखा, बोल रहा है कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण होते हुए हमने अपने आंखों से देखा।
यीशु मसीह के दूताओं को हमने आमने सामने देखा, इसीलिए वो अपने लिए कितना नीचे, आज परमेश्वर के लिए जाना हो उतना नीचे जाने तक के लिए परमेश्वर के लिए समर्पण किए। वो है किंगडम इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा वो है। हम लोग सोचते हैं अच्छा प्रचार करना आ गया, दो दो चमत्कारी परमेश्वर हमसे कर दिए तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए आज परमेश्वर के निकट वापस आके बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरी ओर से शिक्षा पाना चाहता हूँ, उसके द्वारा मैं तुझे आमना सामना देखकर अपने जीवन को तैयारित कर सकूं। इसीलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे सन्निधि में वचनों के हिसाब से फिर एक बार हम अपने आप को सौंपते हैं। परमेश्वर हम अपने मर्जियों के लिए जीवन यापन नहीं करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम अपने जीवन को आधारित करेंगे। हेबल के समान बलिया अगर अर्पण करना है तो अर्पण करेंगे, विश्वास में चलना है तो विश्वास में चलेंगे, बलिया परमेश्वर की गिफ्ट पाना है तो गिफ्ट पाएंगे, परमेश्वर के लिए जीवन पवित्र जीवन काटना है तो काटेंगे। परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर के आमना सामना भेंट होने के लिए, परमेश्वर के सन्निधि में संतुष्ट पात्र बनने के लिए सहायता बनाए। अब्राहम के समय हमें संतुष्ट पात्र बनाइए, पौलुस के समान हमें संतुष्ट पात्र बनाइए, गवाही के हिसाब से हमारा जीवन को बनाइए बोलकर प्रार्थना करता हूं। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमने शिक्षा ली है परमेश्वर, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाकर गलत रास्ताओं में लोगों को ले जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ना लेकर परमेश्वर की आशीषों में भरपूरी पाकर, धन दौलत संपत्ति में वृद्धि पाकर, परमेश्वर अनेकों को परमेश्वर के रास्ते में लीडरशिप के हिसाब से चलाने के लिए शक्ति सामर्थ हमें दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर, प्रार्थना सुना इसीलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।